हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग जानेंगे कि MPNHM में बम्पर भर्ती का सीन क्या है और साथ में TGT PGT पी आश्रम पद्धति, ये सभी जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले जानकारी दी है प्रवक्ता पद के लिए UPSC आश्रम पद्धति में, तो आपको पता है इसमें 33% बच्चों ने शामिल इसमें हुए थे। और साथ में आपको ये भी जान के बहुत खुशी होगी कि जो ये एग्ज़ाम हुआ था ठीक ठाक ही हुआ है, पर थोड़ा पेपर हल्का फुल्का से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी पेपर था, इसकी वजह से जो है इसकी कट ऑफ का वीडियो आपको शाम को मिलेगा। अभी सभी से बात करी जा रही है कि कैसे क्या सीन हुआ है, कितना क्या पेपर, किसने कैसे क्या किया है। तो ये न्यूज़ इसमें क्या दिया हुआ है, एक कटिंग है अमर उजाला की, इसमें क्या है, आश्रम पद्धति में 124 पदों के लिए भर्ती कराई गई थी, इसमें 33% बच्चों ने इसमें भाग लिया था। तो आप समझ सकते होंगे कि अगर 400 बच्चे बुलाए गए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बच्चे आए होंगे समथिंग 320 के आसपास, ठीक है ना। तो आप समझ सकते होंगे कि 124 पद जो दिए हुए हैं उसमें से कितने क्या पद होने वाले हैं और कैसे क्या आपको ये सीट मिलने वाली है और कैसे क्या सीन इसमें रहेगा, ये तो आप समझदार हैं ही। बट फिर भी आपको न्यूज़ इसमें दिख गई है, आप न्यूज़ का समझ लीजिए। 400 नंबर का पेपर था, 300 नंबर का वो सब्जेक्ट था, 100 नंबर आपकी हिंदी की थी। जब भी हम लोग कटऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आश्रम पद्धति मेंस का जो एग्ज़ाम है पहली बार हुआ है और इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, इस बार इंटरव्यू नहीं है, मतलब बस मेंस परीक्षा दे करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अभी आजकल में ज़रा इसका क्या सीन बन रहा है, फिर इसके बाद देखते हैं कब तक रिज़ल्ट इसका आएगा। मेरे हिसाब से अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि GIC और ये दोनों रिज़ल्ट एक साथ ही आएंगे, या हो सकता है 5-10 दिन के गैप में आ जाए, क्योंकि कॉपियाँ चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कॉपियाँ चेक हो जाएंगी। कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि हाँ मई अप्रैल लास्ट तक एक रिज़ल्ट आ जाएगा GIC का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मई लास्ट तक आ जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी छोटी सी न्यूज़ है इतनी प्रवक्ता पद के लिए, इसमें 83% बच्चे शामिल हुए थे। अब नेक्स्ट वाली जो आपकी दूसरी वाली जो वैकेंसी का सीन है MPNHM का वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो ये आपका आ गया है, कहाँ गया है, MPNHM में करे आवेदन। 1222 पद हैं स्टाफ नर्स के साथ में, फार्मासिस्ट विभिन्न पदों के साथ में आया है। इसको अगर आपको देखना है तो nhmmp.government.in पर जाइए और वहाँ पर जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कक्षा 12 के सभी जितने भी छात्र हैं वो भी डाल सकते हैं और JNM, BSc नर्सिंग, फार्मेसिस्ट डिग्री, डिप्लोमा जितने भी लोग हैं ये सभी भी इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कटिंग मैंने आपको दिखाई दी है, आपको फटाफट इसको देख करके अपने हिसाब से देख लीजिए, आप आसानी से इसको भर के आप फटाफट ज्वाइनिंग ले सकते हैं। MPL बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और मस्ट न्यूज़ ये है जो अभी आपके चैनल पे आ गई है, 219 चयनितों का समायोजन, चयन बोर्ड ने जारी की आशासकीय विद्यालयों में समायोजन की सूची। अब सूची के जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, आप लोग समझदार हैं, पढ़ लीजिए खुद ही, है ना। तो यहाँ पर कुछ और ही लिख दिया है लोगों ने, नॉनसेंस है, बिल्कुल तमीज़ तो है नहीं लोगों को। हमें बस इस न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें इस न्यूज़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपनी दूसरी न्यूज़ से जो बीच में लिखी हुई प्रतियोगी छात्रों की मांग शीघ्र शुरू हो नई भर्ती। तो जो नई भर्ती शुरू होने वाली है उसके लिए समझिए, TGT PGT के लिए जो है आपका पोर्टल एक बार खोला गया था, उस पोर्टल खोलने के बाद बताया गया था कि 5000 से अधिक पद हैं हमारे पास में, बट अभी जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लोग नाटक फैलाए हुए हैं। समायोजन लोगों का चयनित का समायोजन भी हो चुका है, 2016 वाले 2021 वाले TGT PGT के कुछ 142 बच्चे दिए हुए थे, उनमें से उन्होंने ये सब किया हुआ है। फिर विद्यालय वर्ष 2021 के तहत TGT के 83 प्रवक्ता सवर्ग, इसको यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। बट सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो समझिए आप, अभी भी 10 अभ्यर्थियों को नहीं हुआ समय, मतलब 10 लोगों को अभी भी नहीं मिला, इतने दिनों से नाटक चल रहा है, अभी भी ये सब सही नहीं हुआ है। फिर आता है कि TGT PGT का जो नई वाली वैकेंसी है वो कब तक आएगी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए यही है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया कब तक वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आने के चांस ही हम मान लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहे हैं मई के तीसरे वीक में इन लोगों की मीटिंग है, ठीक है। तो मीटिंग के बाद जो खेल होगा वो मालूम चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो आपकी वैकेंसी जो है ये अगस्त तक आ जानी चाहिए, अगस्त तक आएगा, नवंबर दिसंबर तक ये कराएंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा, अगले साल फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर मामला स्टार्ट हो जाएगा, आप समझदार हैं। तो ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। कट ऑफ का वीडियो, आश्रम पद्धति कट ऑफ का वीडियो को शाम को प्रोवाइड किया जाएगा, और जो बच्चे फ्री में TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल पर जा करके सर्च कर ले, LT ग्रेड, UPSC, सभी के लिए लगभग वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप उनको देखिए, एंजॉय करिए, मज़े करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।